हमारा जो टर्नओवर है इस साल का वो लगभग 1.5 करोड़ के आस पहुँच रहा है। अरे बाप रे, मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और प्रायः छत्तीसगढ़ में पहले बाहर अपने आसपास के राज्यों से आती थी मछलियाँ, और मार्केट में जो मछलियाँ जाती थी वो जिंदा नहीं रहती थी। कि किसान उगा तो लेता है, बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद उगाते हैं, जैसे हमारा पूरा जो कंपनी है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है, तो किसान उगा तो लेता है लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पाता। मेरे पास 6 एकड़ का एरिया है जिसपे मैं फंगास कर रहा हूँ और तलपिया कर रहा हूँ, दोनों साथ में कर रहा हूँ। मार्केटिंग करके हम लोग मार्केट में 2019 से आज 24 हो गया, तो हमको लगभग 5 साल होने हो गए। भाई भैया के भगवान, IBC 24 का ये खास प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर आज मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। शशांक भाई, मेरे को ना पता है एक चीज से बहुत खुशी मिलती है कि हम उम्र लोग अगर मिल जाए ना किसी भी जगह पर, बात करने का जो मजा है ना दुगना चौगना हो जाता है, और अगर वो लोग सक्सेसफुल हो तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। दो एकदम यंग एंटरप्रेन्योर्स मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ जयदीप भाई मेरे साथ मौजूद हैं, दूसरी तरफ तरुण मेरे साथ मौजूद हैं। एक दुर्ग से आते हैं, एक मुंगेली से आते हैं, एक 25 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके हैं और एक 32 साल की उम्र में ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि जानकर आपको मजा आ जाएगा। यूथ में इसके इनका जो बिजनेस है उसमें भारी क्रेज है, लोग इस बिजनेस की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि क्या बताएं, अलग से जमीन खरीद के उस टाइप की खेती किसानी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 डिजिटल और खबर विभाग में आप दोनों का। सबसे पहले तो आप बताइए कि भाई आपका बिजनेस क्या है और आप क्या काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं। मेरा नाम है तरुण साहू और मेरा एक कृषि युग के नाम से स्टार्टअप है। कृषि युग के नाम से स्टार्टअप है, तो उस कृषि युग में आप इस युग में क्या कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा फिश फार्मिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल यूथ के बीच में, तो उसके बारे में। स्टार्टअप भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है शशांक भाई, भाई देखो आजकल ना स्टार्ट और डिजिटल और वो भी डिजिटली हो और शार्क टैंक जैसे शोज ने तो स्टार्टअप कल्चर को एकदम मतलब बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। पहले बात कर लेते हैं कि भाई मत्स्य पालन और मछली पालन जो है वो किस प्रकार से जयदीप भाई कर रहे हैं, उसके बाद तरुण साहू जी पे उनसे भी चर्चा करेंगे कि भाई उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। बताइए सर, मछली पालन में इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, इतना क्या उसके पीछे आप कारण समझते हैं और आप किस तरीके से, आपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे की? मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और प्रायः छत्तीसगढ़ में पहले बाहर अपने आसपास के राज्यों से आती थी मछलियाँ, और मार्केट में जो मछलियाँ जाती थी वो जिंदा नहीं रहती थी। हम लोग जो कर रहे हैं कैटफिश का कल्चर कर रहे हैं जिसपे फंगासिया से तलपिया है, तो वो ऐसा रहता है कि काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहता है, और ये है कि बिजनेस पर्पज़ पे अपन इसको कर सकते हैं। ये अपना 5.5 से 6 महीने में 1 kg हो जाता है 1 ग्राम से, तो इसको मार्केट ले जाने में भी आसानी होती है, और ये है कि हाई डेंसिटी में भी इसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। कितना एरिया की ज़रूरत पड़ती है आपके पास, कितना एरिया? मेरे पास 6 एकड़ का एरिया है जिसपे मैं फंगास कर रहा हूँ और तलपिया कर रहा हूँ, दोनों साथ में कर रहा हूँ, जिसपे 3 एकड़ पे मैं फंगास कर रहा हूँ और 2 एकड़ पे तलपिया कर रहा हूँ, बाकी तो जमीन मट पे भी चली जाती है। तो तालाब तालाब आपका अपना है या फिर वो आर्टिफिशियल पॉन्ड वाला सिस्टम जो चलता है वो? ये तालाब मेरा खुद का है, उसको अपन जो खेती का जमीन था उसको अपन तालाब बनवाए हुए हैं। अच्छा, तो अच्छा, ये मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि अपने को फिश फार्मिंग ही करनी है और कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि जमीन तो अपनी ही थी। फिश फार्मिंग में प्रॉफिट अच्छा है और इसमें ये है कि मतलब करने में जो मज़ा है वो दूसरे में नहीं है, तो इसमें प्रॉफिट के साथ साथ इसमें काम करने में मज़ा भी आता है। अच्छा, लगातार इस चीज़ पे चर्चा चलती रही है और मछली पालन को लेके एक जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको हम बायोफ्लॉक तकनीक कहते हैं, और उसके ज़रिए जो मछली पालन है वो आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है उस चीज़ को। आपने तालाब में मछली उगाई, तो एक बार तो हमारी जनता को आप ये समझा दीजिए कि बायोफ्लॉक और तालाब में अंतर क्या है, दोनों में क्या फ़र्क आता है, मछली जिस तरीके से डेवलप होती है उसका क्या प्रोसीजर है और क्या अंतर आता है दोनों में? बायोफ्लॉक उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास जगह की कमी है और पानी की कमी है, क्योंकि बायोफ्लॉक का टैंक अपने छोटे जगह में भी अच्छे से गर्ते बन जाता है, और हमारे पास ये है कि पानी भी अच्छे थी और पानी को, क्योंकि हम लोग को कल्चर करने के बाद पानी बाहर फेंकना पड़ता है, तो बाहर पानी फेंकने के लिए भी व्यवस्था थी। हमारा अगल बगल में खेत लगा हुआ है, तो हम लोग वो तालाब का कल्चर करने, मछली पालन का कल्चर करने के बाद उस पानी को अपन खेती में भी यूज़ करते हैं, उससे हमको खाद की भी मतलब खेतों में पौधों को अच्छे से उर्वरक मिल जाती है। तो फिश फार्मिंग को लेकर के आप थोड़े सवाल जब तक और करें
उस दौरान जरा मैं तरुण भाई से बातचीत कर लूँ। तरुण का जो स्टार्टअप है, हो सकता है भाई के भी वो किसी काम आ जाए और आप जितने भाई लोग देख रहे हैं आप सबके भी काम आ जाए। तो तरुण, सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बताओ आप, उसके बाद आगे की बातचीत करें। हमारा जो स्टार्टअप है वो नाम से ही जाहिर है, कृषि युग। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम एग्रीकल्चर कृषि परिवार से आते हैं और हमारा, मैं कृषि विज्ञान का छात्र भी हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर में किया हुआ हूँ। तो हम लोग देखे किसानों को कि किसान उगा तो लेता है, बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद उगाते हैं, जैसे कि हमारा पूरा जो कंपनी है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है, तो किसान उगा तो लेता है लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पाता है। भाई एक सेकंड, आप आगे बढ़ें उससे पहले बस एक छोटा सा सवाल है, जनता को ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो आती हैं और कई लोग ऑर्गेनिक के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, ठप्पा तो ऑर्गेनिक का होता है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग किस बला का नाम है वो ज़रूर समझाइए पहले। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है रसायन मुक्त खेती, जिसमें कि हम लोग किसी प्रकार का खाद का उपयोग नहीं करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं और रासायनिक दवाई का उपयोग नहीं करते हैं। उसके जगह पे हम लोग गाय के गोबर की खाद, जो हमारे पुराने पद्धति में जो करते थे प्राकृतिक खेती, उसका हम उपयोग करते हैं और हम कीट और रोग के लिए हम जो प्रकृति में जो उपलब्ध नीम तेल है और गौमूत्र है, बाकी सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल होता है जैविक खेती करने का, और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है जैविक के नाम में, लेकिन सबसे अच्छा तो ये होता है कि हम अपने जो खरीद रहे हैं किसान, उनको हम जाने और किसान को हम उनके फार्म में विजिट करें। अगर हम अपने किसान को जान रहे हैं, अगर हम अपने किसान कैसा खेती करते हैं उसको जान रहे हैं, मतलब वो 100% ट्रस्टेड जैविक खेती होती है और साथ में गवर्नमेंट है वो सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे NPOP, उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जैविक है कि अजैविक। मतलब बेसिकली अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो केमिकल फ्री फार्मिंग, हाँ। वही चीज है ना, बिना हाँ। केमिकल के आपको जो नेचुरल चीज है एकदम वही की वो मिले। जी वही। शशांक भाई एक सवाल और भी है, हाँ। कि भाई इनके स्टार्टअप ने जिस प्रकार की रफ्तार पकड़ी है, स्काई रॉकेट किया है, एक सवाल इनसे भी पूछना बनता है, आखिर कितना कमा लेते हो बॉस? हमारा जो टर्नओवर है इस साल का वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमारा पहुंच रहा है। अरे बाप रे, 1.5 करोड़! कितने टाइम में पहुंचा है? हम लोग 2019 से कंपनी के रूप में, हम लोग कंपनी फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग 2019 से हम लोग जगह जगह पे स्टॉल लगा के और मार्केटिंग करके हम लोग मार्केट में 2019 से आज 24 हो गया, तो हमको लगभग 5 साल होने हो। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई खेती किसानी में पैसा नहीं है, ये जवाब है और मुंह तोड़ जवाब है। एक सवाल और है कि भाई जो आपके स्टार्टअप का प्रयोग करके जो किसान इसका हितग्राही बनता है या बेनिफिट्स लेता है, आपके सीड्स का, आपके बीजों का अगर बेनिफिट लेता है, तो वो किस प्रकार से, वो मतलब उसको क्या बेनिफिट मिलेगा और वो कितना किस हद तक कमा सकता है, ये भी जरूर बताएं। हमसे किसान जुड़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी किसान हो हमसे जुड़ सकते हैं, या इंडिया में भी अगर किसान है तो हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारा एक क्राइटेरिया है कि हम 2-3 चीज़ हम किसानों में देखते हैं। एक, हम बल्क में प्रमोट करते हैं, अगर हम उसका प्रोड्यूस को खरीदे तो हम चाहते हैं कि ग्रुप्स में फार्मर हो, या FPO ग्रुप में हो, या बहुत सारे किसान हो, वो हमसे इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। और हम इंडिया में कोई भी कस्टमर है, हमारा वेबसाइट है krishiyog.com के नाम से, और हमारा मोबाइल नंबर भी है 9340111148 के नाम से, वहाँ पर से कोई भी किसान हमसे फ्री कंसल्टेशन कर सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप से और सेलिंग के रूप से। हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसका जो सामान है उसको हम उनके ही फार्म से हम उनको प्रोक्योर करके हम सेल करने का काम कर सके। ऐप वगैरह भी कुछ है आपका, बता रहे थे, ऐप का नाम क्या है? और ऐप जो हमारा कृषि के नाम से, वो अभी अंदर मेंटेनेंस है, लेकिन हमारा वेबसाइट अभी चालू है, वेबसाइट चालू है और ई कॉमर्स पे भी हमारा चालू है। और मोबाइल नंबर सबसे इजी तरीका होता है, हम लोग का अनुभव जहाँ रहा है, किसान मोबाइल में बात करने के लिए ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, तो हम उनके लिए मोबाइल नंबर रखे हुए हैं, तो उनसे वो हमसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं और हम 24 घंटे किसानों के लिए लगा रहते हैं, लेकिन जो ऑफिस टाइम है 10 से 7, उस टाइम में हम पूरा हम किसानों के लिए तत्पर है, तैयार है उनके। तरुण भाई एक सक्सेस स्टोरी भी ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई आपका अगर कोई किसान है, आपके पोर्टल से या आपको कॉल करके अगर उसने कोई आपसे सलाह मशवरा या बीज लिया हो या कोई भी आपसे सर्विस ली हो,
तो कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी किसी किसान की जिसने फिर बाद में बहुत अच्छा किया हो खेती किसानी में, वो कहानी जरूर बताइए। हम लोग का एक सक्सेस स्टोरी है कि कुछ किसान थे, है भी नंबर्स में, तो उन लोग जो देसी किस्म है जैसे कि जीरा फूल, जवां फूल, लोकती मांझी, दुबराज, ऐसे जो पुराने किस्म थे और राहर के बहुत सारे मांगी है और अगहनी है, तो ऐसे चीज़ों का मार्केट उनको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि क्या है मार्केट में उन लोग ले जाते हैं तो उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो रेयर है और रेयर का मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि सही कस्टमर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हमसे कुछ किसान जुड़े हुए हैं जिनका हम जो प्रोडक्ट है उसको हम बहुत अच्छे रेट में खरीदते हैं। बहुत अच्छे रेट में बोलने का मतलब है उनका जो चावल है उसको हम 80 से 100 रुपए किलो में हम बाय करते हैं। कुछ हमारे किसान हैं जो उसका जो जैगरी है, ऑर्गेनिक जैगरी है, जैगरी पाउडर सर्टिफाइड, उसको हम 80 से 90 रुपए में प्रोक्योर करते हैं, 100 रुपए तक में प्रोक्योर करते हैं, और हम उसको बहुत अच्छे क्वांटिटी में लोग बाय कर रहे हैं, उगा रहे हैं उसको, और हम जितना चाहे उतना क्वांटिटी हम उसको बाय भी करें जितना हम उगा रहे हैं। अगर आपसे कोई डील करता है तो उसके बाद भी उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा? हाँ, वो तो हम चाहते ही हैं कि हमारे से जुड़े किसान थोड़ा सा जागरूक हो और सरकार की जितने योजनाएं हैं उसका अधिक से अधिक वो उपयोग करे, क्योंकि भी मदद करते हैं आप? हाँ, हम उसको हम पूरा मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट के योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से हम सरकार की जितना भी योजना है उसको हम सर्कुलेट करते हैं ग्रुप में, ताकि बेसिकली किसानों और सरकार के बीच में एक आप माध्यम बन रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, एक ब्रिज बन रहे हैं, जिससे किसान जो सरकार की हितग्राही योजनाएं हैं उनका लाभ और उसकी जानकारी आपके थ्रू किसानों तक पहुंच सकती है, किसानों को मिल सकती है। जयदीप भाई, अगर आज की डेट में मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो क्या क्या ज़रूरत रहेगी, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, दूसरा कितनी लागत लगेगी? सबसे पहले तो आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आपको तालाब बनाना है, और सबसे मेन जरूरी है पानी, क्योंकि मछली को जल की पानी की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पानी की क्वालिटी तो रहती है, लेकिन जनरली ग्राउंड वाटर जब है तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है, और बिना पानी के तो अपन कर ही नहीं सक पाएंगे। तो अगर पानी कम रहा तो फिर ये बायोफ्लॉक का अच्छा रहेगा। अगर पानी आपके पास बहुत अधिक है तो फिर आप तालाब में ही कर सकते हैं। और कितनी लागत लगेगी? लागत का ये, जैसे आपको तालाब बनाने के लिए, एक एकड़ के तालाब के लिए आपको एक हेक्टेयर में बता देता हूँ मैं, आपको एक हेक्टेयर के तालाब बनाने के लिए आपको 7 लाख रुपए का लागत लगेगा, जिसपे अपना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पुरुषों के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए 40% का अनुदान है, और एसटीएससी और महिलाओं के लिए 60% का अनुदान है, जो कि हमको शासन द्वारा मिल जाता है। तो इसमें हमको तालाब निर्माण में बहुत आसानी हो जाती है, और साथ में अपने तालाब बनने के बाद विभाग से हमको मछली के बीज और दाना मिलता है। और बाद में एक बार जब ये तालाब हमने पूरा सेटअप कर लिया, मछली पालन को हम अच्छे से रन करने लग गए, तो इसका मार्केट तक कैसे पहुंचा जाए? आम आदमी, मतलब जिसको नहीं नॉलेज है, वो मार्केट तक कैसे पहुंचे? मार्केट से जैसे रहता है कि जो गाड़ी वाले हैं उनसे आप उनको भी दे सकते हैं, या तो फिर आपके आसपास की जो मंडी है और जो चिल्लर व्यापारी हैं उनको आप एक नंबर संपर्क करके उनके थ्रू सेल होता है। अच्छा, और बाद में एक बार ये सेटअप हो गया, पूरा मार्केट भी इसका बन गया, तो फिर कितनी कमाई हो सकती है महीने के हिसाब से, या सालाना कितनी आमदनी इसमें है? ये अपना डिपेंड करता है कल्चर के हिसाब से। हम लोग जैसे तालाब पे कर रहे हैं हाइडी सिटी पे, तो अपन नर्सरी पाउंड अलग रखे हुए हैं, ग्रो आउट अलग रखे हुए हैं, तो साल में अपन 2 कल्चर ले ही लेते हैं, क्योंकि नर्सरी पे अपन बड़ा करके रखे रहते हैं, एक बार निकालते तो दूसरी बार फिर से डाल लेते हैं, तो ये आपका 30-40% के बीच में प्रॉफिट होता ही है। प्रॉफिट 30-40% है, लेकिन आमदनी कितनी है उसमें? नहीं, अच्छा चलो आप इस तरीके से बता दो, जो हमारी शुरुआत में बात हो रही थी कि भाई 1000 आपने बीज डाले हैं तो उसमें से लगभग 800 अगर आप बेच देते हैं तो उससे कितनी कमाई हो जाती है? जैसे एक एग्जांपल के लिए 1000 मछली बेच देते हैं, उसका रेट 100 से 105 रुपये रहता है, तो उसमें अपने को 30-40 रुपये बच जाता है। अच्छा, तो अच्छा। उसके हिसाब से आपको जो है वो आप ठीक तो हमारी जनता स्मार्ट है, इसमें वो कैलकुलेशन कर लेगी। सरकार से आप बहुत करीब से जुड़े हैं तरुण भाई, और सरकार की योजनाओं के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज, क्योंकि आप किसानों को भी वो नॉलेज मुहैया करा रहे हैं, तो ऐसे में अब
आप सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरीके से इसको एस्केलेट किया जा सकता है और किसानों के बेनिफिट में, किसानों के हित में सरकार अगला कदम, खासकर छत्तीसगढ़ की सरकार क्या उठाए? क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो हैं, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि कौन से चैलेंजेस हैं जो छत्तीसगढ़ के किसान फेस करते हैं प्राइमरीली, और उसके बाद उसका क्या सलूशन हो सकता है ये ज़रूर बताइए। और उससे जुड़ा एक और सवाल इसी के साथ का ही है, ऐसी कुछ योजनाएं जो कि आपको लग रहा है कि किसान भाइयों को हमारे नहीं पता होगी, उन तक अगर आप उन योजनाओं को पहुंचाना चाहें तो उनका नाम भी बता दीजिएगा प्रियांशु के सवाल के जवाब देने के बाद। छत्तीसगढ़ में तो और सभी जगह किसान के लिए तो चैलेंजेस का कमी नहीं है। चैलेंज तो किसान के साथ सुबह चालू होती है, शाम तक चलती है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों के लिए, जो कि भविष्य में बनने वाला है, वो बनने वाला धान के खेती से। मैं एक आपको डेटा शेयर करना चाहता हूँ, किसान अभी छत्तीसगढ़ में सबसे मुख्य फसल है धान का, जो कि एक किलो जो धान है उसको उगाने के लिए 7000 लीटर पानी हमको आवश्यकता होती है, ऐसा एक डेटा है। तो जो धान का रेट बढ़ा है, किसान के बीच में समृद्धि भी आई है, लेकिन सरकार को दूरदृष्टि रखते हुए जो एक वन क्रॉप सिस्टम है धान के, जिस हिसाब से बढ़ावा दिया गया है, दिया जा रहा है, तो उसको कम करके क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि क्या है, एक अगर हम लोग क्रॉप लगाते हैं तो हम सबसे पहले हमारे पास पानी लिमिटेड है, अगर आदमी हर सीजन अगर धान लेगा तो पानी हमारे पास कमी होना ही है। तो सबसे पहले धान के जगह पे मिलेट्स है जो लघु ये है उसको प्रमोट कर रही है, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे से जो लघु धान्य है उसमें शिफ्ट होए, क्योंकि उसमें पानी भी कम लगता है, मूल्य भी अच्छा है, न्यूट्रिशन भी अच्छा है। तो मिलेट्स के ऊपर हमारा जो फोकस है वो अधिक होना चाहिए, उसका समर्थन मूल्य अधिक होना चाहिए, और साथ में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो इतना अच्छा उसका भौतिक स्थिति है जो कि पूरे भारत में एक अनूठा है बोलना चाहिए, कि बाकी जगह फ्रॉस्ट देखने के लिए मिलता है, सूखा देखने मिलता है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा है जो कि सब जगह से बच जाता है। तो उद्यानिकी फसल है और जो माइनर मिलेट्स हैं उसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अभी सरकार नई सरकार बनी है, उनसे भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि इस दिशा में वो काम करेगी और किसानों को और भी जो चीज़ें उसके लिए काम करेगी। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो APO है, भारत सरकार का जो योजना है, वो एक बहुत अच्छा योजना है। अगर उसको APO क्या होता है, APO होता है उसका नाम है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होता है, जो कि किसानों को कंपनी, किसानों की कंपनी है, जिसमें किसान जो है वो आपस में जुड़ के किसानों का कंपनी के रूप में फॉर्म कर सकती है, जिसमें सरकार उसको वेयर हाउस के लिए, उसको मार्केटिंग के लिए, उसका हैंड होल्डिंग सारा चीज़ के लिए सपोर्ट करती है, छोटे से लेके बड़े तक के लिए सपोर्ट करती है। उसके बहुत अच्छे उदाहरण दूसरे राज्यों में देखने के लिए मिलता है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, और बहुत सारे जगह गुजरात है, वहाँ के जो APO उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुँच चुकी है। वहाँ के जो किसान है APO के, वो अपने सामान को विदेशों में भेजती है। तो मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को, यहाँ पर जागरूकता भी कमी है थोड़ी सी, तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके APO है या फिर जो कृषि में जो नए स्टार्टअप है उसको अधिक से अधिक आना चाहिए, ताकि किसान ये सब चीज़ से अपडेटेड हो, जागरूक हो, और जितना हो सके उनको अवेयर हो, उसके बाद प्रोसेसिंग के रूप में और अलग अलग रूप से किसान अपने मूल्य संवर्धन करें और मूल्य संवर्धन करके वो आगे बढ़े। क्योंकि हमको जो हमारे राज्य के ही अलग राज्य के ही जो किसान हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, तब तो हमको नीदरलैंड या फिर बहुत सारे जो विकसित देश है उसको हमको कॉम्पीट करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा सभी किसानों से या जो यंग है, यूथ है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक कृषि के क्षेत्र में आए, वही है हमारा विज़न, एक एम्पावर हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ को जितना हो सके उतना वो मतलब आगे लेके जाए। किसान ही है जो आगे ले जा सकती हैं, और किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो, हमारा राज्य सशक्त हो, और हमारे राज्य को देश और विदेश में एक नई पहचान मिले, वही सब मैं एक विज़न रखता हूँ।
और मैं सब बहुत अच्छी बात है भाई, क्या है एंटरप्रेन्योर वाली बात भी इन्होंने कह दी है। नहीं, और बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही कि भाई जो यूथ है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और उसमें स्टार्टअप कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है इन चीजों को, कैसे आप नए तरीकों से खेती किसानी कर सकते हैं, कम जगह में, कम जमीन में, कम रिसोर्सेज में आप कैसे ज़्यादा मात्रा में अपनी जो फसल है उसको उगा सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर जो बोलते हैं ना, लीड बाय एग्जांपल, तो इन्हें तरुण भाई ने एक एग्जांपल सेट कर दिया और अब वो लीड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के किसानों को, कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें। और सरकार भी, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का अगर कोई व्यक्ति ये सुन रहा हो तो बिल्कुल जो ये कह रहे हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम सिंगल क्रॉप पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आगे जाके ये तकलीफें आ सकती है। तो जो लघु वनोपज है और जो मिलेट्स हैं उनका अगर समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया जाए तो इससे बहुत बेहतर होगा किसान। ये वो इनसाइट्स है जो आपको कोई और नहीं देगा, ये हम एक्सक्लूसिवली IBC 24 और खबर विभाग पर आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी किसान भाई या आम जनता हमें अभी देख रही है, इस वीडियो को देख रही है, तो हमारे चैनल खबर विभाग और IBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ IBC 24 पे मिलेगी। जी सर, मैं एक चीज में और ऐड करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा रिच डाइवर्सिटी है, हमारा 1/3 जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर भी आता है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसका GI टेक हो सकता है। GI टेक मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जो कि एग्रीकल्चर में अभी तक सिर्फ 2 क्रॉप को मिल पाई है, एक जीरा फूल है, एक नगरी दुबराज है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी क्रॉप है जिसको मिल सकती है, कि हमारे यहाँ इमली है धमतरी का, वो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ चिरौंजी है, हमारे यहाँ राइस के बहुत सारे वेराइटी हैं, और दाल हमारे यहाँ एक माकड़ी दाल होता है जो कि मूंग के दाल जैसी बहुत टेस्टी होता है, तो ऐसे यहाँ हमारे यहाँ एक वेरी रिच डाइवर्स है। GI टैग का फायदा क्या होता है? GI टैग का फायदा ये होता है कि उसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसको वर्ल्ड मतलब वो चीज़ है वो धरोहर हो जाती है हमारी। जैसे कि अभी क्या है, हमारे पास धरोहर हमारे छत्तीसगढ़ को एक बस्तर आर्ट को मिली है, बस्तर में 3 चीज़ को GI टैग मिली है, और एग्रीकल्चर में 2 चीज़ को, जो हम GI टैग करते हैं तो वो हमें कहाँ धरोहर हो जाता है, और उसको हमारा राज्य भी प्रमोट करता है, देश भी प्रमोट करता है, इंटरनेशनल भी प्रमोट करता है। तो जैसे हमारा GI टैग होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड इंटरनेशनली हो जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर सरकार इस वीडियो को देख रही है तो जितना से ज़्यादा मेरे पास लिस्ट है चीज़ों की कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें काम किया हूँ, तो पता है मेरे को कि क्या क्या चीज़ें इसमें GI टैग हो सकती है, तो अगर मुझे अगर कांटेक्ट करेंगे, मौका मिलेगा, तो मैं सारा चीज़ को बताऊँगा। और सेकंड एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें बहुत सारा जो एरिया है वो अभी भी जैविक है, क्योंकि मैं जैविक से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि जो बस्तर का बहुत सारे रीजन है, जो बगीचा है जसपुर है वहाँ पर का बहुत बड़ा रीजन है, कवर्धा के आसपास का रीजन है, वो आज भी जैविक है, लेकिन हमारा जो हम जब मार्केट में जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट में, तो बहुत सारे हमको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे NPOP है और भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार को मैं बहुत ज़्यादा निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे उत्पादे हैं और जो हमारा एरिया है उसको हम जैविक सर्टिफिकेशन कर लें, और उसको कुछ और भी स्टैंडर्ड होता है, ISO 22000, बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, वो प्रोवाइड कर दें। तो ये अगर करेंगे तो जो बायर्स है, जैसे कि मैं एक बायर भरोसा बढ़ जाता है, हाँ मैं एक बायर के तौर पे बोलना चाहता हूँ, उसमें पूरे नेशनल जो बायर्स है उनकी नज़र पड़ती है, और वहाँ पर के जो किसान हैं उसके जो उत्पाद है उसका रेट बढ़ता है, तो किसान भी हमारा सशक्त होने की राह पे रहता है। तो मैं ये दो बात और भी ऐड करना चाहता हूँ, एक हमारे जो उत्पादे हैं उसको सर्टिफिकेशन और थोड़ा सा फॉर्मल लीगल एनालिटिक प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, और दूसरा जो GI टैग है इसमें काम करे, तो हमारा राज्य है वो निश्चित ही एक सशक्त की ओर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, अगर इन्होंने इतने सारे क्रॉप्स के नाम बताए ना इन्होंने कि छत्तीसगढ़ में जो जो होते हैं, उसमें अब कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा, हालांकि लोगों को पता भी होगा जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर में काजू भी होने लगा है, कॉफ़ी भी होने लगी है, और केसर भी होने लगा है, जो कि अक्सर ठंडी जगहों पर और ख़ास तौर पर कश्मीर में मशहूर है बहुत ज़्यादा उसकी खेती, तो छत्तीसगढ़ में वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो एक तरीके से आप बोलेंगे कृषि डिपार्टमेंट है हमारा, कृषि विभाग है हमारा, वो कितना ज़्यादा बढ़ चढ़ रहा है, और लोगों को भी इसके
चलते जागरूकता मिल रही है और सरकार का थोड़ा सा और साथ मिले, सरकार का थोड़ा सा और साथ मिले तो हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप भाई आपका मत्स्य पालन की पूरी जानकारी देने का, और आपका सर स्टार्टअप कल्चर और इसके साथ ऑर्गेनिक जो जैविक खेती है उसके बारे में इतनी डीप इंसाइट्स देने का। उम्मीद है कि आपको इससे कोई वैल्यू मिली हो, और अगर वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल जो कि खबर विभाग और IBC 24 है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। शुक्रिया।